देखिए, इस पर आप सेकंड सप्लीमेंट्री पूछ रहे हैं। ठीक है सर, हम सेकंड सप्लीमेंट्री पूछ लेते हैं। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री यह है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस पर महामहिम राष्ट्रपति जी ने सवाल उठाया था कि देश अगर विकास की तरफ जा रहा है तो ज्यादा जेलें बनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी। 2019 का जो आंकड़ा है एनसीआरबी का, नया आंकड़ा गृह मंत्रालय ने उपलब्ध नहीं कराया, 1031 कैदी हैं जो सजा पूरी कर चुके हैं लेकिन जुर्माने की रकम ना अदा कर पाने की वजह से जेलों के अंदर हैं। यह 2019 का आंकड़ा है। महोदय बहुत गंभीर, आपने सवाल, बहुत गंभीर प्रश्न है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि इट्स ए मैटर ऑफ स्टेट, तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि भारत की एक बेटी, गर्भवती महिला, बिल्किस का गैंग रेप और उसके परिवार के 7 लोगों की जघन्य हत्या, उनके कैदियों को रिहाई, क्या यह मैटर ऑफ स्टेट है कि गृह मंत्रालय भी इस पर कभी इस पर ध्यान देगा या नहीं देगा? मैटर ऑफ स्टेट, मैटर ऑफ स्टेट। माननीय सभापति जी, अभी मैं यही कह रहा हूँ कि सदस्य ने प्रश्न के उत्तर को ठीक ढंग से पढ़ा नहीं। उसमें ये लिखा है कि एनसीआरबी जो स्टैटिक्स इकट्ठा करती है जेल के संबंध में, उसमें जेलों की संख्या, जेलों में कैदी, जेलों में पुरुष महिला कैदी, ऐसी विशिष्ट श्रेणी कि कौन से कैदी सजा पूरी करने के बाद भी छोड़े नहीं गए, इसके कोई विशिष्ट आंकड़े एनसीआरबी कलेक्ट नहीं करता है, यही उसमें कहा गया है। दूसरी चीज ये साफ है, आप पता कर लीजिएगा, पता कर लीजिएगा, मैं पूरी जिम्मेदारी से जवाब दे रहा हूँ माननीय मंत्री जी। और दूसरा, दूसरा जो इन्होंने कहा, प्लीज आप अपनी सीट पर नहीं बैठिए मैडम, प्लीज गो बैक। दूसरा इन्होंने प्रश्न पूछा है कि 2019 में ऐसे कैदी जो अपनी सजा पूरी कर चुके लेकिन उनको छोड़ा नहीं गया, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि गृह मंत्रालय की ये जिम्मेदारी है कि वो एडवाइजरी जारी करता है। हमने जेल प्रिजन 2016 जारी किया है जिसके माध्यम से कैदी जो सजा पूरी कर चुके हैं उनको रिहा करने की ऐसी सारी